सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो का सीन है कि आज हम लोग जा रहे हैं कंदोलिम बीच, और लास्ट कंदोलिम बीच के वीडियो पे मैं कुछ अच्छे से बता नहीं पाया, लेकिन इस वीडियो पे आपको एक एक चीज़ डिटेल में पता चलेगी। और मेरे सारे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे हैं और हम लोग थोड़ा इन्जॉय करेंगे वहाँ पर, और इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही मज़ा आएगा, आप देखते रहिए, स्टे ट्यून। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं कंदोलिम बीच और ये मेरे कुछ फ्रेंड्स है, सब लोग अपना इंट्रोड्यूस करो। माय नेम इज पात्रास। माय सेल्फ सुभाष। हाय। माय सेल्फ। हाय, माय सेल्फ चैतन्य। क्लारेंस हियर। सो गाइस, अभी सबने अपने इंट्रोड्यूस कर दिया और हम लोग अभी जा रहे हैं कंदोलिम बीच, और कंदोलिम बीच में हम लोग बहुत सारे मज़े करेंगे, और बाकी वीडियो पे बने रहे, बहुत ही मज़ा आएगा। सो गाइस, आज धूप बहुत ही ज़्यादा है और अभी हम लोग जा रहे हैं कंदोलिम बीच, और कंदोलिम बीच का लेन यही है। सुभाष, कुछ कंदोलिम बीच के बारे में बोलो। कंदोलिम इज ए वेरी गुड बीच एंड यू आर सो कम एंड एंजॉय टू गोवा। कंदोलिम बीच रूम, सो नाइस रूम। तो फ्रेंड्स, ये जो रूट है वो कंदोलिम बीच के लिए जाता है, और यहाँ पे बगल पे आपको शॉप मिल जाएगा छोटे छोटे, जिससे कि आप बीच के लिए कुछ अपैरल खरीद सकते हो और कुछ सनग्लासेस, चप्पल, सब, बियर भी, दारू भी, सब फुल मिलता है इधर, और टैटू भी है और रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। विशाल भैया, कुछ कंदोलिम बीच के बारे में बोलिए। यहाँ का फेमस जो है कि यहाँ पे जो नए नए क्वालिटीज़ के वेराइटीज़ के कपड़े आते हैं लेडीज़ और जेंट्स के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जब भी मार्केटिंग में जाओ, अभी आप लोग जाओगे तो आप खुद हैरान होगी कौन सा लूँ कौन सा नहीं। यहाँ पे मतलब डिज़ाइनर ऐसे भारी भारी एक डिज़ाइनर के कपड़े आते हैं, ले सकते हो कोई भी, ठीक है। सो गाइस, विशाल भैया जो है अभी जो बता रहे थे कंदोलिम बीच के बारे में, ये काफ़ी समय से गोवा पे रह रहे, और ये वैसे ही आप कहाँ से? महाराष्ट्र। ये वैसे महाराष्ट्र से और गोवा में बहुत साल से रह रहे हैं। सो गाइस, लास्ट वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आया था कंदोलिम बीच पे। सो लास्ट टाइम से कंदोलिम बीच इस बार थोड़ा चेंजेस लेके आया हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा उसका जो वे है, रूट है, बहुत थोड़ा चेंजेस कर दिया है। और बगल पे ये जगह आपको मिलेगा वो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, जहाँ आप पता लगा सकते हैं कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा या फिर क्या क्या चीज़ चाहिए। सो ये कंदोलिम बीच का एंट्रेंस है, सो अभी हम लोग जाएंगे अंदर। गाइस, ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे आपको कोकोनट्स और स्लीपर्स, क्लोथ और गन्ने का जूस भी सब मिलेगा। सो गाइस, ये कंदोलिम बीच है और फुल पूरी बदल गई है, और यहाँ की सैंड भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जल रहा है पैर पूरा। पहले यहाँ पे रिजॉर्ट लगता था और रेस्टोरेंट भी था यहाँ पे, पर अभी बारिश के आने के कारण सब हटा दिया है। यहाँ छोटे छोटे शैक थे, बाकी यहाँ तो अभी लगे हैं। सो गाइस, आज संडे, इसी वजह से आज बहुत ज़्यादा क्राउड है, और बाकी के दिन में क्राउड रहती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। और अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स बागा बीच का लेन पे ही, कंदोलिम तो इधर है लेकिन बागा बीच के लेन पे जा रहे हैं। उधर क्यों गोवा का मिट्टी।
सो गाइस दूसरे बीच की जैसा भी कंदोलिम बीच पे आपको वाटर स्पोर्ट्स मिलते हैं, जैसे जेट्स की, पैरा ग्लाइडिंग, पैरा सेलिंग, बनाना राइड, स्क्यूबा और भी अदर स्पोर्ट्स है। ये देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं। आज वेव भी बहुत रफ है और हाई है, पता नहीं आज बहुत ही ज़्यादा धूप है जैसे आप देख रहे हो। और बाकी अभी तो बारिश के आने के कारण सारा चीज़ यहाँ से जो किनारे किनारे बीच किनारे जो शेक था सब हटा दिए गए हैं, बाकी बस कुछ कुछ है और स्टिल यू कैन एंजॉय। और ज़्यादा है अभी हमको पूरा पटका था पूरा पटका था जमीन में। मुझे तो तैरने आता नहीं है बट स्टिल हम अंदर नहीं जा रहे हैं, बस बाहर से ही है ताकि डूबे नहीं, क्योंकि हम एक बार तंदूरी बीच पे डूब गए थे इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं। वे बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही रफ है बट स्टिल अभी हम लोग देखेंगे क्या है अंदर के सीन। चैतन्य भैया, हाउ यू आर फीलिंग? या इट्स क्वाइट बिट कूल, वेरी गुड। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर। सी नाउ एक्चुअली दिस एवरी इट इज नॉट लाइक एवरी ईयर, इट वाज टू सो हॉट लिटिल बिट, बट व्हेन यू कम एंड सी द ब्रिज एंड एवरीथिंग यू विल फॉरगेट योर सेल्फ एंड इट विल बी वेरी नाइस, कूल, चिल, आई एम एंजॉयिंग इट। सो व्हाट डू यू वांट टू से टू माय सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स? या please like and support his page, he got a very good collection and videos actually. I also seen his went through his videos and I came so long to Kandolim just because of his videos. It helped me a lot to get some more information about the place and that's all. Thank you brother for inspiring words. Yeah, and I hope your encouragement words to my audience will be there. Sure. सिर में और कान में भी पानी, अभी मैं लेऊंगा उसका बदला, फिर देखूंगा उसे कैसे पकड़ूंगा।
sir, what do you want to say to my audience? Like, hey, this is a nice time, man. I like it. Thanks, man. Thanks, Manish. So, how did you feel when you visit or when you have enjoyed in this Kandolim Beach? Hey, with you all guys, I really enjoyed myself. Thanks. Thank you so much. Basically from Maharashtra, shifted to Goa. For the, like, he's been for many years. And this is my good friend, man. Yeah, he's my sir. And we too have enjoyed a lot. Although I don't know how to swim, but still we were. We had a good time. Yeah. Good crowd, nice time. Thanks, man. Thanks, Manish. Thanks for getting me here, man. Yeah, thank you.